भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और डीडीसीए के सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष अमित भंडारी पर दिल्ली सीनियर टीम के सेट स्टीफेंस मैदान पर चल रहे अभ्यास के दौरान सोमवार को अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया। भंडारी के सिर और कान में चोट लगी है और उन्हें उनके साथी सुखविंदर सिंह सिविल लाइन्स स्थित सत परमानंद अस्पताल ले गए। हमलावर पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए थे। पुलिस उपायुक्त उत्तर नूपुर प्रसाद ने कहा, हम इस मामले को देख रहे हैं तथा पीड़ित का बयान दर्ज करने पर मामला दर्ज किया जाएगा। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ने प्रेस ट्रस्ट में कहा, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हम घटना का ब्यूरो ले रहे हैं। जहां तक मुझे पता चला है कि ये एक बाहर किए गए खिलाड़ी का काम है, जिसे राष्ट्रीय अंडर 23 टूर्नामेंट के लिए संयुक्त खिलाड़ियों को नहीं रखा गया। उन्होंने कहा, स्थानीय पुलिस थाना SHO के सेंट स्टेफेक्स मैदान पर पहुंच गया और मैंने दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल पटनायक के खुद बात करी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस घटना में शामिल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम FIR दायर करेंगे। रजत शर्मा अस्पताल जाकर भंडारी से भी मिले। उन्होंने कहा, वह ठीक है। चिकित्सकों ने कहा कि एक एहतियात के तौर पर 24 घंटे के लिए निगरानी में रखा जाएगा। जिन लोगों ने हमला किया वे उन पर एक खिलाड़ी का चयन करने के लिए दबाव बना रहे थे, जो योग्यता के आधार पर अंडर 23 टीम में जगह नहीं बना पाया था। अमित ने दावा किया है कि एक हमलावर ने धमकी दी है और उसके पास रिवॉल्वर है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।